इंदौर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजुरौनी की रहने वाली महिला ने एसपी को आवेदन दिया है। आवेदन में महिला वर्षा ने बताया कि उसकी शादी रवि अहिरार नामक निवासी सकतपुर थाना विजयपुर फर्टिलाइजर जिला गुना से हुई थी। शादी में पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। जब शादी होकर गुना पहुंची तो उसे पति रवि अहिरवार के साथ सास ससुर उधम सिंह के द्वारा दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर मारपीट की जाने लगी। एसपी को महिला ने बताया कि ससुराली जन दहेज में उससे 5 लाख रूपये और लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जब दहेज लाने से मना कर दिया तो पति ने उसकी बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट कर दी। साथ ही ससुराली जन भी मारपीट करने लगे। बाद में रवि उसे मायके छोड़कर आया और कहा कि जब तक रुपए नहीं लाती तब तक वो उसे लेने नहीं आएगा। घटना के कुछ दिन बाद रवि फिर मुझे लेने आया। पिता ने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन गुना जाने के बाद फिर से ससुराली मारपीट करने लगी। महिला ने बताया कि उसके ससुर उधम सिंह पुलिस में कहते हैं कि मैंने अपनी पहली पत्नी को मार दिया, उसके लड़के को फांसी पर लटका दिया था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसे भी वो जान से मार देगा। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो रुपए लेकर आए, नहीं तो घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर से वर्षा को मायके छोड़कर आया। महिला ने बताया कि उसका जेठ भी उस पर नजर रखता है। मामले को लेकर गुना पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की। महिला ने शिवपुरी आकर एसपी से अपनी फरियाद लगाकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। कहाँ की रहने वाली हो? बिजरौनी। तो ये एसपी ऑफिस आ रहे हो, क्या समस्या है आपको? पति अच्छे से नहीं रखता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तू बदतमीज औरत है, तू तेरे पते नहीं कितनी से संबंध है, सास ससुर भी मारपीट कर रहे हैं, जेठानी सब जने मारपीट कर रहे हैं और बोल रहे जब तू जा मायके और रुपए ला मेरे दहेज में, 1 लाख रुपए मांग रहे हैं अभी तो। ये तो क्या प्रताड़ित भी करते हैं? हाँ, बहुत जोर से। वहाँ शिकायत नहीं की? गुना में सुनवाई नहीं हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो धमकी देता है, मैंने मेरे बेटे को मार डाला, मैंने मेरी पत्नी को मार डाला, तू क्या बिगाड़ेगी? तो वहाँ पे पुलिस ने सुनवाई नहीं की? बिल्कुल भी नहीं की। तो यहाँ क्यों आए? शिवपुरी आए। यहाँ किससे बात हुई आपकी? एफसी साहब से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है महिला थाने में आएंगे तो उसे भी बुलाएंगे, लड़के को बातचीत करेंगे क्या परेशानी है क्या नहीं है।